हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। हाउ आर यू? तो तैयार है सब बच्चे नीट एग्जाम देने के लिए? हेलो एवरीबॉडी। हाय काव्या, गुड्डू, ग्रेस, गुड आफ्टरनून। हेलो एवरीबॉडी। हाय अमोघ, मॉमी, सो वेरी गुड आफ्टरनून। अब वो समय, अब वो टाइम दूर नहीं है, 13 सितंबर बहुत ही पास है। होप आप सब लोग तैयार हो नीट देने के लिए। जितना भी मेहनत आपने किया है, अब वो टाइम आ चुका है जो उस मेहनत का फल मिलेगा आपको। तो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करते हुए आपका, लेट्स स्टार्ट क्विक रिकैप। ओके, हेलो तानिया, हाय सुनील, जितेंद्र, अच्छा हाय रविंद्र, सोनी। अब वो टाइम है जब आपको नया कुछ भी नहीं पढ़ना है, जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो बस उसको रिवाइज करना है। तो आज हम वही करने वाले हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ताकि ताकि आपका जो है क्विक रिविजन हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 सेकेंड इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर यू। हाय प्रतीक्षण, मीना, लालू, विपिन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिफोर दिस मैं आपको बता दूं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गो प्रेप लाइव लर्निंग ऐप एंड अदर प्लेटफॉर्म्स। वी हैव डेली लाइव इंटरैक्टिव क्लासेस, सिलेबस कवरेज, डाउट क्लियरेंस एंड एनसीईआरटी रेफरेंस बुक डिस्कशन। ऑल्सो टेक्नोथलॉन जो है उसके लिए आप रजिस्टर कर सकते हो। हाय धीरज, यस लेट्स स्टार्ट। हाय इतिशा, ग्लिसरीन, बिस्मा, सब बच्चे तैयार हैं आज के सेशन के लिए। 24 अगस्त से हमने 2 ईयर प्रोग्राम स्टार्ट किया है। आप अपने जो भाई बहन है उनको बता सकते हैं ज्वाइन करने के लिए। एंड ऑल्सो मिनी कोर्स लेके आए हैं मृत्युंजय सर ऑन एटॉमिक स्ट्रक्चर। ओके, तो इस सेशन में हम लोग क्या करने वाले हैं? इस सेशन में हम लोग रिवाइज करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, तो फटाफट से देखते जाओ, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आज के सेशन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाय रविंद्र, गुड आफ्टरनून, मोना, सिद्धार्थ, हाय मृत्युंजय, गुड्डू, रफी, गौरव। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑल दीज क्वेश्चंस दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, पैनिक करने का टाइम नहीं है। काम माइंड से क्वेश्चंस देखते जाइए और करेक्ट आंसर्स मार्क करते जाइए। सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर और रीजन्स इज इनकरेक्टली पेयर्ड विद इट्स फंक्शन? ऑल दीज आर पार्ट्स ऑफ ब्रेन। जो भी गलत है वो आपको बताना है। मेड्यूला ऑब्लोंगेटा कंट्रोल्स रेस्पिरेशन एंड कार्डियोवास्कुलर रिफ्लेक्सेस, राइट? लिम्बिक सिस्टम कंसिस्ट ऑफ फाइबर ट्रैक दैट इंटरकनेक्ट्स डिफरेंट रीजन ऑफ द ब्रेन, कंट्रोल मूवमेंट। दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, दैट मीन्स द करेक्ट आंसर इज बी। बी इज द करेक्ट आंसर। क्यों भाई? क्योंकि लिम्बिक सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज इमोशनल ब्रेन। ठीक है, इसे इमोशनल ब्रेन भी बोला जाता है। इसमें होता है हाइपोथैलेमस, हिप्पोकैम्पस, एमिगडाला। तो इस तरह के जो पार्ट्स ऑफ ब्रेन है उन्हें कंबाइंड फॉर्म में बोला जाता है लिम्बिक सिस्टम। सो दिस वॉज रॉन्ग। हाइपोथैलेमस, यस, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ हॉर्मोन्स, रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर, हंगर एंड थर्स्ट। एंड कॉर्पस कैलोजम इज अ बैंड ऑफ फाइबर कनेक्टिंग लेफ्ट एंड राइट सेरिब्रल हेमिस्फेयर। ओके, तो बी जो था ये रॉन्ग था और बाकी सारे स्टेटमेंट्स करेक्ट थे। गुड आफ्टरनून अर्पना। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, इनकरेक्ट बताना था। यश शानु, द नर्व सेंटर विच कंट्रोल द बॉडी टेम्परेचर एंड द अर्ज ऑफ ईटिंग आर कंटेन्ड इन। बॉडी टेम्परेचर, अर्ज ऑफ ईटिंग, कौन रेगुलेट करता है? द करेक्ट ऑप्शन इज ए, दिस इज हाइपोथैलेमस। ऑल दीज क्वेश्चन आर प्रीवियसली आस्क्ड इन नीट। हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं बेटा क्योंकि अब जो टाइम है अब वो सिर्फ रिविजन का टाइम है। तो फटाफट से जब आप क्वेश्चंस देखते हो, यू कैन कनेक्ट विथ योर मेमोरी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। एटीपीएज एंजाइम नीडेड फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन इज लोकेटेड इन। एटीपीएज एंजाइम मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए जरूरी है और ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है?
actin, troponin, myosin or actin. Okay, the correct option is C. Okay, the correct option is C, myosin. Vipul, print all the three pages of admit card. कुछ भी आप छोड़ के मत जाओ, कोई भी रिस्क मत लो, ठीक है? पूरी तरह से प्रिपेयर होके जाओ नीट का एग्जाम देने के लिए. ओके, इफ यू रिमेंबर मायोसिन हेड, मायोसिन हेड का अगर आप डायग्राम रिमेंबर करते हो तो दिस इज एक्टिन बाइंडिंग साइट, दिस इज एक्टिन बाइंडिंग साइट. ओके, एंड दिस वन इज ATP binding site. Since ATP यहाँ पे होता है, so ATPase is present in myosin head. चलिए बढ़ते हैं, देखते हैं next question. Low calcium level in the body fluid may be the cause of. Calcium का कम होना क्या cause कर सकता है? Tetany, anemia, angina pectoris, gout. And the correct option is tetany. Tetany is prolonged contraction. It is prolonged contraction without relaxation, okay, which is also known as lock jaw, is also known as lock jaw. Now correct option was A. Now let's see what is the next question. Which of the following, we are going to discuss 35 plus questions today to brush up everything that you have learned till now. No, कोई बात नहीं हासनीन. Which of the following factor is responsible for the formation of concentrated urine? Concentrated urine बनाने के लिए क्या जरूरी है? A, B, C या D? Maintaining hyperosmolarity towards inner medullary interstitium in the kidney. Actually, this is the most accurate answer and the correct option is A. अगर मेड्यूला का इंटरस्टिशियम हाइपर ऑस्मोलर होगा तभी तो वाटर निकलेगा लूप ऑफ एलएएन कलेक्टिंग डक्ट से बाहर, एंड बिकॉज ऑफ विच आर यूरिन विल बी कॉन्सेंट्रेटेड. तो इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है काउंटर करेंट मैकेनिज्म. ओके, नाउ थैंक्स गुड्डू. तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. ईच ऑफ दीज क्वेश्चंस कंटेन्स टू स्टेटमेंट्स, ठीक है? असर्शन एंड रीजन तरह के क्वेश्चंस हैं. लेट्स सी व्हाट इज असर्शन. यस, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी. द हेपेटिक लोब्यूल्स आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिवर containing hepatic cells arranged in the form of cord. Each lobule of liver is covered by a thin connective tissue sheath called the Glisson's capsule. The bile is secreted by hepatic cells. अब अगर assertion सही है, reason सही है और reason is the correct explanation of assertion, तो आपको mark करना है option number A. Okay? तो जो भी correct लग रहा है आपको, देखते हैं क्या है करेक्ट ऑप्शन. ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. ओके, गुड गुड डू. ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, दैट मींस ए वाज राइट, रीजन वाज आल्सो राइट एंड रीजन वाज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन. स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिवर क्या होता है? याद रखना है आपको हेपेटिक लॉब्यूल्स, हेपेटिक लॉब्यूल जो कि कवर होता है बाय ग्लिसन्स कैप्सूल. ओके, कुछ नहीं सुनील, बस इतना याद रखना है लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड, बिल्कुल ये सही है. हेपेटिक लॉब्यूल्स आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिवर, ठीक है? ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, डायरेक्ट इस पर भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक. और हेपेटिक लॉब्यूल इज कवर्ड बाय ग्लिसन्स कैप्सूल. ओके, तो ये सब आपको ध्यान रखना है. यस, वेरी लार्ज क्वेश्चन. दिस लार्ज क्वेश्चन इज टू इम्प्रूव योर रीडिंग स्पीड. डियोडेनम, वेरी गुड एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. डियोडेनम हैज कैरेक्टरिस्टिक्स ब्रूनर ग्लैंड विच सिक्रीट टू हॉर्मोन. तो ब्रूनर ग्लैंड
ड्योडनम में कौन से दो हार्मोन रिलीज करते हैं वो आपको बताना है, ए बी सी या जी। करेक्ट ऑप्शन है बी, इट्स सिक्रीट सिक्रेटिन एंड कोलीसिस्टोकाइनिन। अगर आपको पता था बहुत अच्छा, अगर आपको नहीं पता था तो बेटा इसको मार्क कर लो, ठीक है, इसके नोट्स बना लो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। Which one of the following pairs of organs includes only the endocrine gland? A, B, C और D में से जो endocrine gland है सिर्फ वो आपको mark करना है। याद रखो heterocrine gland which is combination of endocrine and exocrine, उसको आपको rule out करना है, ठीक है, ध्यान रखो। Yes, please don't forget to like, share and subscribe the session. Endocrine glands, देखते हैं, option A was correct, C, parathyroid and adrenal gland are only endocrine glands. यहाँ पर pancreas heterocrine है, यहाँ पर testis heterocrine है और यहाँ पर ovary heterocrine है, तो इसमें ही सिर्फ जो है एंडोक्राइन ग्लैंड्स प्रेजेंट है। होप आपको समझ में आया होगा और कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 9। ए बी, ठीक से पढ़ो इस क्वेश्चन को। ग्लैंड्स में फिल इन द ब्लैंक से ए, सिक्रीशन में फिल इन द ब्लैंक से बी और सी। तो ए बी एंड सी क्या है तो वो आपको बताना है, ए बी सी एंड डी ऑप्शन में से ए क्या है, बी क्या है और सी क्या है। हाय वंश, वेरी गुड आफ्टरनून, आई एम फाइन, होप यू ऑल आर ऑल्सो डूइंग फाइन। ओके, करेक्ट ऑप्शन है बेटा डी। ए जो है वो है ओवरी, ओवरी रिलीज करता है ईस्ट्रोजन जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। बी अल्फा सेल्स रिलीज करता है ग्लूकेगॉन, ग्लूकेगॉन ओके, जो इंक्रीज कर देता है ब्लड ग्लूकोज लेवल। सी एंटीरियर पिट्यूटरी रिलीज करता है ग्रोथ हार्मोन जिसके ओवर सेक्रेशन से होता है जाइजेंटिज्म। ओके, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन CO2 कॉन्सेंट्रेशन इन ब्लड इंक्रीजेस ब्रीदिंग बिकम्स, कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन अगर हमारे ब्लड में बढ़ जाता है तो ब्रीदिंग पे इसका क्या इफेक्ट होता है, ब्रीदिंग शैलो और स्लो हो जाता है या कोई इफेक्ट नहीं होता है, स्लो और डीप हो जाता है या फास्टर एंड डीपर। तो याद रखो बेटा अगर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में कम हो गया तो ऑब्वियसली कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन अगर ब्लड में बढ़ता है तो क्या ज़रूरत होगा, ज़्यादा से ज़्यादा डीपर एंड फास्टर ब्रीदिंग का ज़रूरत होगा। दैट मीन्स ऑप्शन डी इज करेक्ट, टू गेट मोर ऑक्सीजन इन टू आर ब्लड। ओके, सो दिस वॉज द करेक्ट ऑप्शन। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के तरफ। नेम द पल्मोनरी डिजीज, पल्मोनरी मतलब रिलेटेड टू लंग्स, इन विच एल्वियोलर सरफेस एरिया इन्वॉल्व इन गैस एक्सचेंज इज रिड्यूस्ड ड्यू टू डैमेज टू एल्वियोलर वॉल। बहुत ही सही डेफिनेशन है ये कंडीशन की, ए बी सी एंड डी, एंड द करेक्ट ऑप्शन इज बी, एम्फाइसिमा। एम्फाइसिमा में हो जाता है डैमेज टू एल्वियोलर वॉल्स जिसके वजह से रिड्यूस हो जाता है रेस्पिरेटरी सिस्टम। ओके, सो व्हाट इज प्लूरेसी, दिस इज प्लूरेसी, प्लूरेसी इज इन्फ्लेमेशन ऑफ प्लूरल मेम्ब्रेन विच इज फिल्ड विथ फ्लूइड। न्यूमोनिया, न्यूमोनिया इज
infection of bacteria because of which fluid is filled in alveoli, and asthma. Asthma is an allergic response. So yes, emphysema is caused by cigarette smoking. Okay, तो चलिए आगे बढ़ते हैं. स्मोकर्स डिजीज, एम्फाइसिमा इज ऑल्सो नोन एज स्मोकर्स डिजीज. अच्छा, एक और चीज याद रखो, एम्फाइसिमा दो तरह के हो सकते हैं. दिस इज एक्वायर्ड टाइप सिगरेट स्मोकिंग की वजह से, और एक होता है कंजनाइटल एम्फाइसिमा जिसमें होता है अल्फा वन एंटी ट्रिप्सिन कम. ओके, और उस टाइप की डिजीज को बोला जाता है ब्लू ब्लोटर्स डिजीज. इस सिगरेट स्मोकिंग से जो एम्फाइसिमा होता है उसे बोला जाता है पिंक पफर्स डिजीज. ओके, यस, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन. यू आर रिक्वायर्ड टू ड्रॉ ब्लड फ्रॉम अ पेशेंट टू कीप इट इन अ टेस्ट ट्यूब फॉर एनालिसिस. अगर हमें ब्लड निकालना है किसी की बॉडी से और टेस्ट ट्यूब में रखना है फॉर एनालिसिस, तो कौन सा टेस्ट ट्यूब हम नहीं यूज करेंगे. टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग कैल्शियम बाइकार्बोनेट, चिल्ड टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग हेपेरिन, टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग सोडियम ऑक्सलेट. तो कौन सा टेस्ट ट्यूब हम नहीं यूज करेंगे फॉर स्टोरिंग ऑफ ब्लड. तो फटाफट से बताओ क्या है करेक्ट ऑप्शन. एंड द करेक्ट ऑप्शन इज द फर्स्ट वन, टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग कैल्शियम बाइकार्बोनेट विल नॉट बी यूज्ड. Otherwise, chilled test tube containing heparin and sodium oxalate is used because these two are anticoagulant. We don't want our blood to coagulate before analysis. Okay? Now, question number 13. हम लोग थोड़ा fast discuss कर रहे हैं बेटा, क्योंकि हमारे पास नहीं है time. 13th ऑफ सेप्टेम्बर आ चुका है, जब आप अपने आप को प्रूव कर पाओगे. आपकी जो मेहनत है, जो भी मेहनत आपने करी है इस एग्ज़ाम के लिए, उसके रिजल्ट का टाइम आ चुका है. ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है. विच पार्ट ऑफ ओवरी इन मैमल्स एक्ट एज एन एंडोक्राइन ग्लैंड आफ्टर ओव्यूलेशन. वेरी गुड क्वेश्चन. एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह कौन सा पार्ट काम करेगा आफ्टर ओव्यूलेशन. तो याद करो, आफ्टर ओव्यूलेशन ग्राफियन फॉलिकल ही तो कन्वर्ट हो जाता था इनटू कॉर्पस ल्यूटियम. ओके, सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए, दैट इज ग्राफियन फॉलिकल. ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. Which of the following statement about morula in human is correct? याद रखो, morula बनता है cleavage से. Okay? And there is difference between cleavage and normal cell division. तो वो difference याद रख कर आपको ये जो है answer देना है. And all of them are saying option number A is correct. It has almost equal quantity of cytoplasm as an uncleaved zygote, but much more DNA. बहुत ही करेक्ट ऑप्शन है. अगर आप ध्यान करो तो what is morula? Okay, morula is a mulberry shaped stage. Okay, जिसमें होता है 8 to 16 cells. Okay? एंड ये बनता है क्लीवेज ऑफ जायगोट से बनता है. तो उसमें साइटोप्लाज्म का कंटेंट विल रिमेन सेम, बट द नंबर ऑफ, या यू कैन से द कॉपीज ऑफ डीएनए विल बी मोर. ओके, तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ. विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज and cannot be cured completely. Genital warts, genital herpes, chlamydiasis and gonorrhea. तो कौन सा disease cure नहीं हो सकता है. तो याद रखो, genital herpes, okay, this is a viral disease. It is a viral disease. This cannot be cured. Genital warts can be cured by cryosurgery. Okay.
क्लैमाइडियासिस, गोनोरिया कैन बी क्योर्ड बाय एंटीबायोटिक्स बट नॉट हर्पीज. नाउ क्वेश्चन नंबर 16, ओके. एकिटना, पेरिपेटस, न्योपिलीना, प्रोचोप्टेरिस, ऑल दीज आर कनेक्टिंग लिंक. कनेक्टिंग लिंक पे काफ़ी बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आपको ध्यान देना है. मैच द फॉलोइंग कॉलम, कौन सा ऑर्गेनिज्म कौन से दो फाइलम के बीच में कनेक्टिंग लिंक है वो आपको बताना है. 16th का मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर आंसरिंग सी. देखते हैं व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन. बी इज द करेक्ट ऑप्शन बेटा, ठीक है. देखते हैं एकिडना. एकिडना अगर आप याद करो तो एकिडना क्या होता है. इट इज ओवी पैरस मैमल. ओवी पैरस मैमल, एग लेइंग मैमल. इट इज ऑल्सो नोन एज स्पाइनी एंड ईटर, ओके, टूगेदर विद ऑर्निथोरिंकस दैट इज प्लैटिपस. तो एकिडना इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड मैमल्स. पेरीपेटस इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनिलीडा एंड आर्थ्रोपोडा. नियोपिलीना इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनिलीडा एंड मोलस्का. एंड प्रोटोप्टेरिस इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन पाइसिस एंड एम्फीबियन. सो ये था करेक्ट ऑप्शन. आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं. Which of the following statements about certain given animals is correct? Roundworm are pseudocoelomates, mollusca are acoelomate, insects are pseudocoelomate, flatworms are coelomate. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था. करेक्ट ऑप्शन है ए, roundworms are pseudocoelomate, mollusca are coelomate, insects are again coelomate. And flatworms are acoelomate. So that's why all these statements are wrong and option A is correct. Now question number 18. Which of the following is a matching set of phylum and its three examples? Cnidaria, Platyhelminths, Mollusca and Porifera. तो कौन सा करेक्ट है वो आपको बताना है. कोई बात नहीं मॉमी, याद रखो बोनेलिया इज एनेलिडा, इज एनेलिडा, सो दिस इज रॉन्ग. प्लैटीहेलमिन्स करेक्ट ऑप्शन इज सी. प्लैटीहेलमिन्स, प्लेनेरिया इज प्लैटीहेलमिन्स बट नॉट दीज टू. लॉलिगो, टेरिडो, ऑक्टोपस ऑल आर मोलस्का. Spongula is a porifera but not Euplectella and Penajula. Now pteridō is also known as shipworm. Yaad rakhna hai aapko. Is shipworm bhi bola jata hai. It makes holes in the ship. Theek hai, ship mein holes bana deta hai. That's why it is also dangerous for sailors. क्वेश्चन नंबर 19, हम फटाफट से रिवाइज कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. देखते जाओ मेरे साथ और रिकॉल करते जाओ. यस, टू कॉमन कैरेक्टर्स फाउंड इन सेंटीपीड, कॉकरोच एंड क्रैब, ठीक है. तो ए बी सी या डी में से जो ऑप्शन विदाउट एक्सेप्शन होता है सेंटीपीड, कॉकरोच और क्रैब में वो आपको बताना है. These two organisms are from phylum Arthropoda. ठीक है, Arthropoda में होता है. Here you can see joint legs and chitinous exoskeleton. So the correct option is B. देखते हैं question number 20. DNA fingerprinting refers to. DNA fingerprinting refers to molecular analysis of profiles of DNA sample, or it's an imprinting device, or it is for analysis of different specimens of DNA, or technique used for identification of fingerprints of individual. This is a previous year question.
देखते हैं, करेक्ट ऑप्शन है ए, मॉलिक्यूलर एनालिसिस ऑफ प्रोफाइल ऑफ डीएनए सैंपल। जो भी हमें डीएनए सैंपल मिला है उसका मॉलिक्यूलर एनालिसिस करने के लिए हम लोग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग यूज़ करते हैं। इट कैन बी यूज्ड फॉर पैटर्निटी टेस्ट और यू कैन से व्हेन डीएनए इज फाउंड फ्रॉम द क्राइम सीन, सो टू डिस्टिंग्विश द क्रिमिनल इट कैन बी यूज्ड। सो फॉर मॉलिक्यूलर एनालिसिस ऑफ प्रोफाइल्स ऑफ डीएनए सैंपल इट इज यूज्ड। व्हाई नॉट सी, टेक्निक यूज फॉर मॉलिक्यूलर एनालिसिस ऑफ डिफरेंट स्पेसिमेंस ऑफ डीएनए। ओके, डीएनए प्रोफाइल के एक्चुअली ऑब्जर्वेशन में करा जाता है। ठीक है, इंडियाज वीट ईल्ड, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियाज वीट ईल्ड रिवॉल्यूशन इन 1960। Why not D? Techniques used for identification of fingerprints. Fingerprints का fingerprint determination technique नहीं है ये, fingerprints को हम नहीं इसे determine कर सकते हैं। Okay, this is for molecular analysis of DNA. Now 1960 में जो wheat yield या 1960 में जो green revolution हुआ था, okay? वो किसके वजह से था? प्राइमरीली ड्यू टू, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर सेइंग डी, बट बहुत ही सिंपल और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, सी इज द करेक्ट ऑप्शन, म्यूटेशंस रिजल्टिंग इन प्लांट हाइट रिडक्शन। उसमें जो स्पीशीज यूज की गई थी ग्रीन रिवॉल्यूशन में प्लांट्स की, उनका हाइट कम था, कम हाइट होने के वजह से दे वर रेजिस्टेंट टू स्टॉर्म्स। ओके, जितना ज़्यादा हाइट रहेगा क्रॉप का उतना ज़्यादा स्टॉर्म के वजह से या फ्लड के वजह से उनके गिरने के चांसेस होते हैं, और जितना कम हाइट रहेगा उतना वो अवॉइड कर सकते हैं स्टॉर्म को। सो दिस वॉज द करेक्ट ऑप्शन। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 के लिए। The TI plasmid, that is tumor inducing plasmid, is often used for making Ginny plants. This plasmid is found in, ये plasmid TI plasmid किससे derive है, किससे लिया जाता है, तो ये आपको बताना है, azotobacter, rhizobium, agrobacterium या yeast। बहुत ही simple answer है जो पूछा गया था NEET में। करेक्ट ऑप्शन इज एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस, ओके, तो इससे ये टीआई प्लाज्मिड हमको मिलता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन फ्रॉम द टॉपिक बायोटेक्नोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। The most thoroughly studied of the known bacteria plant interaction is the, ठीक है, सबसे ज़्यादा कौन सा plant और bacteria का interaction जो है study किया गया है, जिस पर research हुआ है, वो आपको बताना है। And the correct option is B, gall formation. Gall is tumor. Gall का मतलब होता है tumor. ट्यूमर फॉर्मेशन ऑन सर्टन एंजियोस्पर्म्स बाय एग्रोबैक्टीरियम, इस पर सबसे ज़्यादा स्टडी किया गया है। ओके, बहुत सारे बच्चों ने गलत आंसर दिया है। ये टाइम है फटाफट से सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने का, अभी आपको थ्योरी पे कॉन्सेंट्रेट नहीं करना है, अभी आपको कॉन्सेंट्रेट करना है सिर्फ क्वेश्चंस पर। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। विच पार्ट वुड बी मोस्ट सूटेबल फॉर रेजिंग वायरस फ्री प्लांट फॉर माइक्रो प्रोपोगेशन, फॉर माइक्रो प्रोपोगेशन।
Which part would be most suitable for raising by, अगर सपोज एक प्लांट है विच इज इन्फेक्टेड बाई वायरस, तो हम उसका कौन सा पार्ट लेके माइक्रो प्रोपोगेट करेंगे वो आपको बताना है. एंड द करेक्ट ऑप्शन इज सी, दैट इज मेरी स्टेम. ओके, मेरी स्टेम को हम माइक्रो प्रोपोगेट करेंगे बिकॉज दे विल लीड टू plants which are virus free. Okay, now question number 25, a bit fast. I think now you will have to improve your reading speed because we are going to discuss lots of questions. Consumption of which of the following foods can prevent the kind of blindness associated with vitamin A deficiency. Okay, तो vitamin A deficiency के कारण जो blindness होता है, that is night blindness, तो उसको क्या consume करने से जो है prevent किया जा सकता है? Flavor saver tomato, canola, golden rice या BT brinjal. Okay, I'll slow it down. आप बताओ मुझे answers. And students are saying, see, yes, golden rice is rich in vitamin A. इसमें introduce किया था beta carotene gene. इसमें introduce किया गया था beta carotene gene that is responsible for formation of vitamin A in golden rice, जिसके वजह से इनका color golden होता है. याद रखो, flavor saver tomato का होता है improved shelf life. Okay, and BT brinjal is genetically modified plant with BT gene taken from Bacillus thuringiensis, because of which it itself becomes insecticidal. Okay, canola is plant from which we get oil, canola oil, if you remember. Okay, now let's see what is the next question. Question number 26. Main objective of production or use of herbicide resistant genetically modified crop is to. Herbicide resistant genetically modified crops को क्यों promote किया गया, क्यों इनका जो है production किया गया? If you remember, biomagnification, okay? Biomagnification को rule out करने के लिए जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स जो कि हर्बिसाइड रेजिस्टेंट है को डेवलप किया गया था. करेक्ट ऑप्शन होगा बेटा डी. ओके, टू रिड्यूस हर्बिसाइड एक्यूमुलेशन इन फूड पार्टिकल्स फॉर हेल्थ सेफ्टी. ओके, सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. बायो मैग्निफिकेशन को रोकने के लिए हमने इस तरह के जो है क्रॉप्स वो डिज़ाइन किए थे. ओके, तो बहुत सारे बच्चे जो है करेक्ट आंसर दे रहे हैं, कुछ बच्चे गलत भी आंसर दे रहे हैं. बट जो गलत आंसर दे रहे हैं बेटा, आपको नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है. वो सारे पॉइंट्स अगर आप लिख लेते हो एक बार तो आप फिर कभी नहीं भूलोगे, बहुत ही जल्दी नीट देने जाओगे आप सब. आगे देखते हैं डायरेक्शन. दिस इज एसर्शन एंड रीजन, ये दो स्टेटमेंट बस आप पढ़ो और बताओ विच इज़ द करेक्ट ऑप्शन. एलएसडी एंड मैरिजुआना आर क्लिनिकली यूज्ड एज एनाल्जेसिक. Both these drugs suppress brain function. LSD and marijuana किस तरह के ड्रग है वो अगर आपको याद है तो आप इसको करेक्ट करोगे. D is the correct option. दोनों ही गलत है. LSD and marijuana are hallucinogens and not analgesic. So automatically both assertion and reason are false. Next question. Which one of the following is a matching pair of vector and disease? Matching pair of vector and disease को आपको mark करना है. Whether it is Culex, filariasis, house fly, leprosy, Aedes aegypti, chicken pox and sand fly cholera. The correct option is A. Culex. Culex is a vector or carrier for elephantiasis or filarial disease which carries Wuchereria worm. Now आगे पढ़ते हैं. Which of the following is the correct
मैचिंग ऑफ अ विटामिन इट्स नेचर एंड इट्स डेफिशिएंसी डिजीज. तो विटामिन ए के एंड के, तो आपको बताना है. एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, वाटर सोल्यूबल विटामिन्स होते हैं विटामिन बी एक्सेप्ट बी ट्वेल्व एंड विटामिन सी. ओके एंड रेस्ट आर लिपिड सोल्यूबल. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए. विटामिन ए इज फैट सोल्यूबल एंड बिकॉज ऑफ इट्स डेफिशिएंसी नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज्ड. विटामिन बी के डेफिशिएंसी से होता है, B1 के डेफिशिएंसी से होता है बेरी. विटामिन ए के डेफिशिएंसी से होता है नाइट ब्लाइंडनेस एंड विटामिन के डेफिशिएंसी से होता है ब्लीडिंग डिसऑर्डर. पेलाग्रा होता है विटामिन B3 के डेफिशिएंसी से. ओके आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं. मैच द फॉलोइंग डिजीजेस विद करेक्ट टाइप ऑफ वैक्सीन. करेक्ट टाइप ऑफ वैक्सीन और डिजीजेस को आपको मैच करना है. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है एंड द करेक्ट ऑप्शन इज सी. सी इज द करेक्ट ऑप्शन. ए का है 4 ट्यूबरक्लोसिस में हार्मलेस बैक्टीरिया दैट इज BCG यूज़ किया जाता है. BCG इज बैसिलस कालमेट ग्वेरिन विच इज़ अ टाइप ऑफ बैक्टीरिया विच इज सिमिलर टू माइको बैक्टीरिया. ओके वूपिंग कफ के दैट इज पर्ट्यूसिस के वैक्सीन के लिए किल्ड बैक्टीरिया यूज़ किया जाता है. डिप्थीरिया के वैक्सीन के लिए इनएक्टिवेटेड टॉक्सिन यूज़ किया जाता है एंड पोलियो के वैक्सीन के लिए हार्मलेस वायरस यूज़ किया जाता है. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे आपका पूरा जो वैक्सीन है वो रिवाइज हो गया है. तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 पे पहुंचते हैं. देखते हैं 31 क्या बोल रहा है. द सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी इनसाइड द ह्यूमन बॉडी इज कैरीड आउट बाय. तो याद रखो ह्यूमोरल इम्यूनिटी किसकी वजह से है, बी लिम्फोसाइट की वजह से एंड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी टी लिम्फोसाइट के वजह से है. तो करेक्ट ऑप्शन होगा इसका डी दैट इज टी लिम्फोसाइट. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 32 ऑन योर स्क्रीन. कैंसर सेल्स आर मोर इजीली डैमेज्ड बाय रेडिएशन देन नॉर्मल सेल. आपको पता है वी यूज रेडियोथेरेपी टू क्योर कैंसर. तो ये रेडियोथेरेपी क्यों सिर्फ कैंसर सेल्स को ही अटैक करता है और नॉर्मल सेल्स को नहीं करता है, वाई दे आर मोर अफेक्टेड एंड नॉट नॉर्मल सेल्स, उसका रीजन आपको बताना है. एंड द करेक्ट ऑप्शन इज बी बिकॉज दे आर अंडरगोइंग रैपिड डिविजन. द रेडिएशंस दे रेडिएशंस जो है दे हैव एफिनिटी फॉर DNA. सिंस दे आर रैपिडली डिवाइडिंग दे हैव increase amount of DNA, that's why this radiations affect cancer cell and not normal cell. Yes, right. Question number 33. Use of antihistamine and steroid give a quick relief from. Antihistamine and steroid किसके treatment के लिए use किया जाता है, allergy, nausea, cough या headache. बहुत ही simple और बहुत ही अच्छा question है. Yes, and the correct option is allergy. The correct option is allergy. Don't forget to like, share and subscribe this session. बढ़ते हैं आगे next question की तरफ. हम कर रहे हैं फटाफट से सारे important questions, previous year questions, revise which are important फॉर नीट पॉइंट ऑफ व्यू. और जो बच्चे देने जा रहे हैं 13 सितंबर को अपना एग्जाम, उनको हम करा रहे हैं रिविजन. तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. द कॉजेटिव एजेंट ऑफ मैड काउ डिजीज इज अ. मैड काउ डिजीज का जो कॉजेटिव एजेंट है वो बैक्टीरिया है, प्रायोन है, वॉर्म है या वायरस है. नेक्स्ट इज बी. ओके द करेक्ट ऑप्शन इज प्रायोन. मैड काउ डिजीज इज कॉज्ड बाय प्रायोन. तो ये आपको याद रखना है. तो 35th क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन. अ पर्सन लाइकली टू डेवलप टेटनस इज इम्यूनाइज्ड बाय एडमिनिस्ट्रिंग.
टिटनेस, जिसको भी कहीं लग जाता है, कट जाता है, टिटनेस होने का चांस होता है, तो उसको क्या दिया जाता है? जो टिटनेस वैक्सीन दिया जाता है उसमें क्या होता है? डेड जर्म्स, प्रीफॉर्म्ड एंटीबॉडीज, वाइड स्पेक्ट्रम एंटीबॉडीज या वीकेंड जर्म? एंड द करेक्ट ऑप्शन इज बी, प्रीफॉर्म्ड एंटीबॉडी. सो इट इज अ टाइप ऑफ पैसिव इम्यूनिटी. इट इज अ टाइप ऑफ पैसिव इम्यूनिटी. जब हम प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज बॉडी में इंजेक्ट करते हैं, दैट इज पैसिव इम्यूनिटी. अगर हम डेड जर्म्स इंजेक्ट करते हैं तो इस टाइप की इम्यूनिटी को बोला जाता है एक्टिव इम्यूनिटी. ओके, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. 36th क्वेश्चन, मोटाइल जाइगोट ऑफ प्लास्मोडियम. मोटाइल जाइगोट ऑफ प्लास्मोडियम अकर्स इन, अगर आपने प्लास्मोडियम का लाइफ साइकिल पढ़ा है तो मोटाइल जाइगोट ऑफ प्लास्मोडियम को बोला जाता है ऊकाइनीट, विच इज वर्म लाइक, जो कि एक वर्म की तरह दिखता है. तो वो कहाँ होता है? ऑब्वियसली ये ऊकाइनीट या फर्टिलाइजेशन होता है एनोफिलस मॉस्किटो के अंदर. तो मतलब ये और ये तो बिल्कुल ही गलत है. तो देखते हैं व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन. द करेक्ट ऑप्शन इज ए, गट ऑफ फीमेल एनोफिलस में होता है ऊकाइनीट और वर्म लाइक जाइगोट ऑफ प्लास्मोडियम. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 37, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज सेशन. Example and type of immunity. Immunity is very important topic from human health and disease. Okay, जिस बच्चे ने revise नहीं किया है तो बेटा human health and disease में से immunity को फटाफट से revise कर लो 13 September में जो आप exam देने जा रहे हो उसके लिए. Okay, और thanks Amok. अब बताना है आपको, match the following. ए कॉलम और बी कॉलम को मैच करना है एंड करेक्ट ऑप्शन जो है आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन है. एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ए, दैट मींस पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स, मींस दे आर टॉकिंग अबाउट न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स. न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स आर एक्चुअली सेल्यूलर बैरियर. ये वाला जो ऑप्शन है ये करेक्ट है. ठीक, एंटी टेटनस एंड एंटी स्नेक बाइट इंजेक्शंस, अभी हमने देखा ये क्या होंगे, पैसिव इम्यूनिटी. वाई पैसिव इम्यूनिटी होगा? क्योंकि प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज इन वैक्सीन्स में होता है, सो दैट्स वाई दिस इज रॉन्ग. सलाइवा एंड माउथ, सलाइवा इन माउथ एंड टीयर्स इन आईज, दे आर नॉट फिजिकल बैरियर्स, दे आर फिजियोलॉजिकल बैरियर्स. ओके, म्यूकस कोटिंग ऑफ एपिथीलियल लाइनिंग एंड ऑफ द urinogenital tract. Okay, this is physical barrier, but HCl in stomach is physiological barrier. So that's why this is wrong. See, mucus coating जो है, mucus coating होगा physical barrier. ठीक है, तो इसलिए ये तीनों options जो है wrong थे और सिर्फ ये वाला option correct था. तो hope आपको समझ में आया होगा. So होप आपको समझ में आया होगा हमारा. जितने भी क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं ये सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे आज के सेशन के लिए, और स्पेशली जो बच्चे देने वाले हैं 13 सितंबर को नीड. सो ऑल दीज क्वेश्चंस वर इम्पॉर्टेंट. दिस इज द लास्ट क्वेश्चन. जिसने भी इम्यूनिटी नहीं पढ़ा है फटाफट से रिवाइज कर लेना है आपको. ओके, मज़ा आया, होप आपको मज़ा आया होगा आज के सेशन में. बेस्ट ऑफ लक, गुड लक, एंड जस्ट रिमेंबर दैट यू कैन डू इट. ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे. सारे ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम लोग रिवाइज कर चुके हैं. ठीक है, जस्ट स्टे काम और मास्क लगा के प्रैक्टिस करो एग्जाम देने का, क्योंकि वहां पर जाके आपको मास्क लगा के एग्जाम देना है. तो कीप ऑन प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस विथ वेयरिंग मास्क. सो बाय बाय, टेक केयर एवरीबॉडी, कीप ऑन रिवाइजिंग. एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो.